मेरा पूरा यकीन है कि ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग 23rd को। एक बारी विक्रम सॉफ्टली लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो इस पे से जो है वो रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलेगा और सतह पे मैप करेगा। चंद्रयान 3 है, इसको कई स्पेस एजेंसीज के जो स्पेस डीप स्पेस नेटवर्क्स हैं वो ट्रैक कर रहे हैं। देखिए हाँ, ये आज जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जो लैंडर और उसके अंदर उसके भीतर जो रोवर है जिसका प्रज्ञान है, तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे। अभी क्या होगा कि ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में। अभी 153 × 1763 किलोमीटर का है जो सर्कुलर ही है, बाद में ये 100 × 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके, इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे, उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो यही आइडिया है और उसके बाद ये रोवर निकलेगा और कुछ 500 मीटर आसपास जाएगा और वहाँ पर वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लूनार सरफेस पे करेगा। कब एक्सपेक्ट है कि ये 23rd अगस्त को होगा, लैंडिंग होगा, उसके बाद ये बाद में उसके बाद वो रोवर जाएगा। जहाँ पर खामियाँ थी पहले चंद्रयान 2 में, वो लैंडिंग पीरियड के टाइम पे वो गिर गया था काफ़ी तेज। तो इस बार इसरो ने क्या किया है, इसे कहते हैं रिडंडेंसी फैक्टर। अगर एक चीज़ खराब होता है उसकी जगह और एक ले लेगा, ऐसे बहुत सारे रिडंडेंसी फैक्टर उन्होंने जोड़े हैं ताकि अगर कुछ खामियां आती हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो एक दूसरा सिस्टम उसको टेक ओवर करेगा। और मेरा पूरा यकीन है कि ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग 23rd को। ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है, यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी के जो आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा, और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपनी अपने आप को सीधा करना, बिकॉज क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे, तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहां पर लैंड करना है, कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। विक्रम लैंडर का क्या काम रहेगा लैंडिंग होने के बाद? जी, विक्रम लैंडर जो है सतह की मैपिंग करेगा, क्योंकि रोवर इसमें से निकलेगा। एक बारी विक्रम सॉफ्टली लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, तो इस पे से जो है वो रोवर प्रज्ञान जो है वो बाहर निकलेगा और सतह पे मैप करेगा। रोवर जो भी खबरें, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो भी सैंपल कलेक्ट करेगा, वो विक्रम लैंडर तक पहुँचाएगा, और विक्रम लैंडर जो है वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इसरो साइंटिस्ट तक पहुँचाएगी। तो बहुत ही इंटीग्रेटेड प्रोसेस है ये, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं और हर ही कॉम्पोनेंट का अपनी जगह पर एक विशेष महत्व और खास स्थान है। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी पर है, जो कि 153 × 163 किलोमीटर वाली है, जो कि कल इसरो ने अचीव की थी। जो लैंडर रोवर है वो इससे ज़रा फर्क उसकी अब ट्रेजेक्टरी हो गई है, और इसकी 2 बार डी बूस्टिंग होनी है। उसमें 2 चरणों में जो है, एक तो चरण जो है 18 तारीख को होगा, और उसमें जो है इसकी ऑर्बिट को 120 × 150 किलोमीटर का किया जाना है, और अगले डी बूस्टिंग में ये 30 × 150 किलोमीटर का हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑर्बिट और प्रोपल्शन मॉड्यूल का ऑर्बिट जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो विद्यमान है
चंद्रमा का अब सैटेलाइट बन गया है, उसका चक्कर लगाता रहेगा और अगले कई महीने, शायद एक साल भर भी जो है वो काम करता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक तो उसके ज़रिए कम्युनिकेशन होना है लैंडर का जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर 2 है उसके साथ, और ऑर्बिटर 2 जो है बातचीत करेगा पृथ्वी से, यानी कि बेंगलोर में इसरो का जो भी कम्युनिकेशन सेंटर है। और इसके अलावा जो है ये जो चंद्रयान 3 है इसको कई स्पेस एजेंसीज के जो स्पेस डीप स्पेस नेटवर्क्स हैं वो ट्रैक कर रहे हैं। तो किसी भी समय जो है ऑपरेशन के समय, जो ख़ास ऑपरेशन जो चंद्रयान 3 पर किए गए या आगे होंगे, ये किसी ना किसी स्टेशन को ये हमें विजिबल रहेगा, ताकि जो है इसकी ट्रैकिंग जो है सफलतापूर्वक करते रहें। तो 23 अगस्त जो है वो एक किस्म से जो है बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। तो उस दिन जो है आप ये समझिए कि 142 करोड़ दिल जो है ज़्यादा धड़केंगे, मगर उम्मीद करते हैं तो उन धड़कनों का और उन प्रार्थनाओं का जो है असर हमको दिखेगा।